हेलो स्टूडेंट्स, यस बेटा, आज हम ये क्लास फिफ्थ का जो हमारा था लेसन नंबर 6, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी है बेटे, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 6, जिसका नाम था छोटू चायला, इसकी रीडिंग हम कर चुके हैं। तो अब हम इसके क्या करेंगे, शब्द अर्थ करेंगे। ये जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो इजीली कर लेंगे, और जिनके पास बुक्स नहीं है बेटे वो इस तरीके से वीडियो को ऐसे पॉज कर लें ऐसे, और फिर आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे इनको साथ साथ। लिखेंगे सभी बच्चे, जिनके पास बुक्स हैं वो भी लिखेंगे और जिनके पास बुक्स नहीं है वो भी लिखेंगे। तो इसमें शब्द अर्थ हम करेंगे। सबसे पहले है हाजिरी बजाना, तुरंत कार्य करना, अभागा दुर्भाग्यशाली या पहले जैसा ही दुख भरा, सुखद सुख की, ऐसे वीडियो पॉज कर ले बेटे फिर आप लिखें, ठीक है, या सुख की अनुभूति देने वाला, क्या होता है सुखद, ओझल हो जाना, छिप जाना या फिर दिखाई ना देना, अतीत बीता हुआ समय, बीते हुए समय को बोलते हैं अतीत। तो ऐसे आप वीडियो को पॉज कर लें बेटे और फिर आप ये वर्ड मीनिंग लिखें और लर्न करें। बुक्स है तो बुक से आप इजीली लिख सकते हैं, बुक्स नहीं है तो मैं वीडियो को ऐसे पॉज करके दिखा रही हूँ ताकि आप इजीली लिख लें ऐसे। अब हम करते हैं प्रश्न प्रहर एक्सरसाइज, हम स्टार्ट करते हैं इसकी। तो पार्ट क्या है हमारा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये जो रिक्त स्थान है और इधर ये जो शब्द दे रखे हैं ब्रैकेट में, जैसे दो दो शब्द, जो सही शब्द आता है वो इसमें फिल करना है। तो फर्स्ट है हमारा, मालिक की कड़क आवाज़ सुनकर छोटू का डैश सौपन टूट गया। तो इसमें क्या आएगा, सुखद सौपन टूट गया, ऐसे फिल कर लेना है। बुक में ही फिल कर सकते हैं जिन बच्चों के पास बुक्स हैं, उनके पास बुक नहीं हो नोटबुक में ऐसे वीडियो को पॉज कर लें और नोटबुक में लिखें और फिर लर्न करें। आज छोटू की आंखों में नींद ना थी, इसमें प्यास या नींद, तो यहाँ क्या आएगा, नींद। थर्ड है, सब कुछ सोच सोच कर छोटू डैश हो गया, इसमें शांत या अशांत, तो इसमें क्या आएगा, अशांत हो गया, ऐसे वीडियो को पॉज करके लिख लें आप। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो बेटे आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसका पार्ट है, सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस लगाना है। तो नंबर वन है, छोटू ढाबे पर प्रसन्न रहता था प्रसन्न, नहीं गलत है ये, तो क्रॉस लगा दिया हमने ये, देखिए। सेकंड है, ढाबे का मालिक छोटू को समय पर वेतन देता था, ये भी रॉन्ग है तो हमने क्रॉस लगा दिया है। काम की बोझ तले दबे छोटू को केवल 4-5 घंटे की ही नींद मिल पाती थी, ये सही है तो हमने टिक लगा दिया ऐसे, ये देखिए। और ऐसे वीडियो को पॉज करके फिर आप काम कर लें। अब हम करेंगे पार्ट गैस, सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें जो सही ऑप्शन है हमारा उस पर टिक लगाना है। तो फर्स्ट है, ढाबा सुबह डैश बजे खुल गया था, 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे, तो 6 बजे, 6 पर हमने टिक लगा दिया है। अब पेज पलटते हैं, ये देखिए सेकंड वाला, ढाबा रात को डैश बजे के बाद बंद होता, 1 बजे के, 11 बजे के या 12 बजे के, तो 1 बजे रात को 1 बजे के बाद बंद होता था, तो 1 पर टिक लगा दिया है। ढाबे का मालिक छोटू के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करता था, क्रूरता का व्यवहार करता था या अपने पुत्र सा व्यवहार करता था, तो जो ढाबे का मालिक था वो छोटू के साथ क्रूरता का व्यवहार करता था, तो इसलिए हमने इस पर टिक लगा दिया है, क्रूरता का व्यवहार करता था, ठीक है, ऐसे आप कर रहे हैं, ओके बेटा। और कल हम अब इसका नेक्स्ट वीडियो में इसके हम ये प्रश्न उत्तर करेंगे, तब तक के लिए बाय।